सो हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र रावत और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुरेंद्र पहाड़ी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:10 और दोस्तों, आज कराऊंगा रूबरू मैं आपको अपने गाँव से, बताऊंगा आपको मैं अपने गाँव के बारे में। और बाहर हो रही है काफी ठंड, तो दोस्तों लेके जा रहा हूँ मैं आपको बाहर और दिखाता हूँ मैं आपको बाहर के नज़ारे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ काफ़ी धूप लग रखी है। और अभी सुबह सुबह तो बादल थे शायद, लेकिन अभी तो काफ़ी अच्छी धूप लग रखी है और हवा भी चल रही है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो गर्मी के मौसम हमें पसंद होती है ठंडी ठंडी हवाएं चलने, लेकिन ठंडी हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन अभी ठंडी हवाएं को झेलने की उतनी कैपेसिटी नहीं हमारे पास। आपको लेके जा रहा हूं मैं छत में, और देख सकते हैं यहां पे ये है हमारा छत। ऊपर देख सकते हैं आप, यहां पे देख सकते हैं ऊपर पे, आप देख रहे होंगे तो ऊपर बर्फ गिर रखी है, तो ऊपर दिख रखा है, देख सकते हैं आप यहां पे ये है छत। और छत में सही ढंग से धूप नहीं आई अभी, तो दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे गाँव के नज़ारे। देख सकते, छोटा सा गाँव है हमारे यहाँ पर, तो देख सकते हैं कुछ घर यहाँ पे हैं और कुछ घर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हैं। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर नज़ारा है, ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पर प्रकृति की जो वादियाँ हैं उनमें हमारा गांव बसा हुआ है, जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ हमारा सुंदर सा गांव, और चारों तरफ हरियाली है। और देख सकते हैं आप सुंदर सुंदर बांज बुरांस के जो पेड़ हैं उनसे हरा भरा, उनसे सजा हुआ मेरा प्यारा सा गांव, मेरा मुल्क, मेरा पहाड़ और मेरा प्यारा उत्तराखंड। और यूँ ही नहीं, यहाँ के लिए देवभूमि कहते हैं। यहाँ पर हर जगह में आपको मंदिर दिखने को मिलेंगे, हर जगह यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ और हरे भरे जंगल देखने को मिलते हैं, सुंदर प्रकृति है। तो हेलो दोस्तों, अभी लग चुकी है काफ़ी धूप और ये आप देख सकते हैं मेरी दादी जी। दादी जी, क्या बोलना चाहेंगे आप हमारे सब्सक्राइबर को? हेलो, हेलो गाइस, हेलो गाइस, बोलो 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। मेरी दादी काफ़ी बुजुर्ग है और मेरी दादी मेरा बहुत ख्याल रखती है। जब मैं दूध नहीं पीता हूँ तो मेरी दादी दूध लाती है, पर कभी कभी जब मैं सोया रहता हूँ ना तो मुझे गुस्सा भी आता है, तो है, लेकिन मैं अपनी दादी को बोल रहा हूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, मेरी दादी बोल रही है कि मेरे को देख के इसको ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। तो देख सकते हैं गाइस, अभी हो चुके हैं घास के लिए जाने के लिए तैयार। ये हैं ब्रांति और मम्मी आ चुकी है सामने, और चलते हैं ऊपर के लिए। तो देख सकते हैं गाइस आप, हम जा रहे हैं घास के लिए। तो फाइनली दोस्तों आ चुका हूं मैं यहां पे गौशाला में, और यहां पे हैं हमारी गाय वगैरह रहती है यहां पे। और अभी यहां पे धूप नहीं आई है, तो मम्मी ने कहा है कि अभी धूप नहीं आई तब तक हम घास को लेके आते हैं और तब निकालेंगे गाय वगैरह बाहर, और दिखाऊंगा मैं आपको अपने गाय, बैल और छोटा सा एक बछड़ा भी है उसको भी दिखाऊंगा आपको। तो अंत तक बने रहिएगा मेरी वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे, अभी हम आ चुके हैं यहाँ रास्ते में, अभी तो काफ़ी चढ़ाई भी है, तो दोस्तों चलते ही जा रहे हैं और सर्दी भी है अपने गांव के ऊपर। यहाँ पे
हमें घास काटना है तो देख सकते हैं, काफी सांसें फूल रही है यार मेरे तो, मतलब आपने पीछे ब्लॉग में भी देखा होगा, तो हर समय जो काम पड़ता है ना वो हाइट वाली जगह पर पड़ता है एक्चुअली में। पहाड़ों में तो मतलब कि चढ़ाई चढ़ना तो दिन में हमेशा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, हमेशा जो भी काम होता है तो केवल मार्केट हमें डाउन जाना पड़ता है, लेकिन आना तो ऊपर चढ़ाई है, जब घर आते हैं तो चढ़ाई ही होती है। तो दोस्तों काफ़ी सुंदर नज़ारे, जो भी यहाँ पे पेड़ आप देख रहे हैं वो सारे पेड़ बांझ के हैं, बुरांस के हैं कुछ, तो काफ़ी हरियाली है दोस्तों और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने ये रिंगाल की झाड़ी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। देख सकते हैं गाइस ये है वो पेड़, इतना बड़ा पेड़, और मम्मी बोल रही कि इस पे जा, तो देख सकते हैं ऊपर से देख सकते हैं बांस का पेड़ है, तो इस पे जाना ही पड़ेगा मुझे आखिरकार, तो देख सकते हैं आखिरकार जाना ही पड़ेगा, तो देखते हैं कि मैं जा पाता हूँ या नहीं जा पाता हूँ, तो मेरे ब्लॉग में टाइम लैप्स के थ्रू इस वीडियो को देख सकते हैं आप। दोस्तों अब टाइम हो चुका है घर जाने का, घास तो मम्मी ने कर लिया है, बांध लिया है जो बोलते हैं पुले बांध दिए हैं, और दिखाता हूँ आपको मैं कि मम्मी ने किस तरीके से पुले बना रखे हैं और लगा दिए हैं घास के भारे। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ये लगा दिया है घास का भारा मेरे लिए और ये मम्मी के लिए, तो देख सकते हैं गाइस कमर में पड़ चुका है बांझ का भारा, इतना भारी नहीं है लेकिन हल्का ही हो रहा है, पर मज़ा आ रहा है क्योंकि घर में रह रहे हैं तो घर में कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। अब देख सकते हैं और लोग भी काट रहे हैं घास, चाची वगैरह, तो देख सकते हैं तक रखल चाची एक दिया चकने तन रखे वो चक्की पूरा होते ना फंगड़ बनो जी कोई बात नहीं जी तो देख सकते हैं गाइस इन पहाड़ों के नज़ारे, तो यार मतलब काम कम होता है एंजॉय ज़्यादा होता है क्योंकि प्रकृति के नज़ारे देखते देखते काम करें वैसे लगता नहीं कि हम काम कर रहे हैं। बोलते हैं प्यार, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ खेलना, तो काफ़ी सुंदर गाय है। और ये देखो उसका जो बच्चा है यहाँ पे वो बस वैसे कर रहा है, उसको भी खुजली हो रही है क्या, उसको भी हो रही है, उसको भी खुजली हो रही है, उसको भी खुजली हो रही है सर,
ये देख सकते गाइस आप, तो काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देख सकते हैं सब मतलब कि आ जाते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अभी मुझे लड़कों का फ़ोन आया है, तो हमारा प्लान बन रहा है कल पवाली जाने का। तो दोस्तों आपके लिए मैं एक पवाली का ब्लॉग लाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।